तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आशुतोष आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है डीजे, लोन पर डीजे। क्या किस्तों पर डीजे लेना हमारे लिए सही होगा या नहीं? तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है कि हमारा डीजे जो होता है, इसका बिजनेस शुरू करने के लिए हमारे पास कई बार अच्छा बजट नहीं होता है। तो हम सोचते हैं कि बैंक से लोन लेकर या किसी से ब्याज पे पैसा लेकर डीजे का काम शुरू करें। तो ये सही है, कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, इसी के बारे में आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड में लगभग 6 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छी खासी नॉलेज है कि ये बिजनेस कब चलता है, कैसे चलता है, कहाँ प्रॉफिट होता है, कहाँ लॉस होता है। आपके लिए क्या सही होने वाला है, क्या गलत होने वाला है, इस बारे में आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, अपनी राय भी दूंगा, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पैसे को अपने अपने लेवल के पैसे से स्टार्ट करना चाहिए अपना छोटा सेटअप, या किस्त पर ब्याज पर बैंक से लोन लेकर डीजे सेटअप खोलना चाहिए लेना चाहिए, इस बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग यह जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो चलाता रहता हूँ। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है। तो ब्याज पर पैसे लेकर, किस्त पर पैसे लेकर डीजे शुरू करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आप डीजे का काम करना चाहते हैं तो आपका बजट कितना है, आपका इनकम क्या है, आप पहले से कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब काफ़ी मायने रखता है। अगर आपका इनकम सोर्स अच्छा है, आपके पास कुछ पैसे हैं, अगर आपने उस पैसे को अभी समझ लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, मैं छोटी सी एग्जांपल लेकर चलता हूँ 1 लाख रुपए का, आप 1 लाख से काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके पैसे हैं तो इसमें आप 1 लाख मत लगाइए, 80 से 60 के बीच में, 60 से 80 के बीच में पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि ये साइट कुछ ऐसी है, साउंड से रिलेटेड साइट जो होती हैं, ये बहुत कुछ अच्छी भी नहीं कह सकते, बुरी भी नहीं कह सकते। शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगल है, इसमें काफ़ी मेहनत है, क्योंकि ये पूरा सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ये काम सीजन बाय सीजन चलता है। आपकी पहचान कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी साउंड क्वालिटी कैसी है, ये सब काफ़ी मैटर रखते हैं। तो नए आप नए नए रहेंगे, आपका ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं रहेगा, आपको कोई जानता नहीं होगा, जो यार दोस्त होंगे गांव के लोग होंगे वही जानते होंगे, तो आप लोग को वहीं तक बुकिंग मिलने वाली है। आपने बहुत हैवी सेटअप ले लिया, सोचा कि हमारा महीने में 1.5 लाख 2 लाख का इनकम होगा, तो मैं किस्त बाई किस्त पैसे बैंक को देता रहूँगा या ब्याज वाले को देता रहूँगा। तो ऐसा होने वाला मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि ये काम ऐसा है, आज चल रहा है, आज ऑर्डर है कल नहीं है परसों नहीं है। कई कई बार तो ऐसा रहता है हमारा डीजे एक एक महीने क्या दो दो महीने तीन तीन महीने ऐसे रखा रह जाता है, कोई काम ही नहीं आता, कोई ऑर्डर ही नहीं आता। क्योंकि अभी हम फील्ड में नए हैं, हमें अपने आपको दिखाना है फील्ड में दिखाना है, और हमारे पास बजट भी नहीं है। तो हम लोग पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, छोटे से मतलब हुआ कि 50, 60 या 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, इससे शुरू करेंगे। दो टॉप ले सकते हैं, एक मशीन ले सकते हैं, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे हम क्रम बाई क्रम काम करेंगे, जैसे हमारा इनकम होगा उसी तरफ से हम अपने सेटअप को बढ़ाते जाएंगे। दो टॉप ले लिया पहले, मशीन ले ली, एक एम्पलीफायर छोटा सा ले लिया, ये हो गया। बाद में धीरे धीरे हमारा नाम हुआ, हम लोगों ने काम किया, हमारे फैन फॉलोइंग बढ़ी, हमारे जो कस्टमर है वो हमसे जुड़ते गए। तो ऐसा करके हम धीरे धीरे क्रम बाय क्रम से आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए उचित होगा। क्योंकि ब्याज मेरे हिसाब से आपके लिए ठीक नहीं है, कि मेरे हिसाब से कि आपके लिए ही नहीं किसी के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप डीजे का काम खोलना चाहते हैं, अगर ब्याज पे पैसे ले रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है आप ब्याज से पैसे ले रहे हैं तो आपका इनकम
अभी फिलहाल कहीं पर नहीं होगा, तभी आप ब्याज पे ले रहे हैं। अगर आपकी पॉकेट में पैसा होता तो आप ब्याज लेने की सोचते ही नहीं। तो मेरे हिसाब से आप ब्याज पर पैसे लेकर काम ना ही शुरू करें, डीजे ना ही लें। हाँ, डीजे लेना चाहते हैं तो छोटे से शुरू करें, छोटे लेवल से शुरू करें, तभी आपको उसमें नॉलेज भी अच्छी मिल जाएगी धीरे धीरे करके, और आप धीरे धीरे मार्केट में अपना नाम भी करेंगे। तो आपका लोड भी नहीं रहेगा आपके ऊपर कि हमने ब्याज पे पैसे लिया है, हमको उनको देना है, ये करना है, वो करना है, हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर ये हमारा ये लॉस सकता है, वो लॉस सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। छोटे से शुरू कीजिए, टेंशन नहीं रहेगी, जो रहेगा अपना रहेगा। सामान रखा है कोई बात नहीं, रखा है अपना है, हम उसे आगे काम में ले, यूज़ तो कर ही रहे हैं, जब ऑर्डर आएगा तब करेंगे। हाँ, डीजे का काम ऐसा है, जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो अपना फुल परफॉर्मेंस दीजिए, जितनी बेस्ट क्वालिटी आप देंगे, जितनी बेस्ट क्वालिटी आप दे सकते हैं अपने डीजे से, वो बेस्ट क्वालिटी आप अपने कस्टमर को दीजिए, ताकि जो उस क्राउड में, जो पार्टी में आए हुए और सारे कस्टमर और सारे व्यक्ति आए होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं बर्थडे पार्टी, शादी विवाह पार्टी, फंक्शन कुछ भी हुआ, किसी में जाइए, कुछ भी होगा, तो अगर आपका क्वालिटी अच्छा लगा तो आपसे एक बार संपर्क जरूर करना चाहेंगे कि आप कैसे, मतलब कि आपको जरूर वो पूछेंगे कि आप, हाँ भाई हमको ये काम कराना है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखें कि आप छोटा सा भी काम कर रहे हैं, दो टॉप ले ही जा रहे हैं, सिर्फ दो ही टॉप ले जा रहे हैं, तब भी अपना बेस्ट दीजिए, नहीं कि आपने, नहीं हमको पैसे कम मिले हैं तो हम क्वालिटी कम रखेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक समझ लीजिए कि आप वहाँ गए किसी, आप आपके यहाँ मतलब कि कोई डीजे वाला आया, छोड़ दीजिएगा आप डीजे वाले हैं, आपके यहाँ कोई डीजे वाला आया, आपने कम पैसे दिए हैं, कोई बात नहीं, कम पैसे दिए हैं कोई बात नहीं, वो दो टॉप लाया और उसने क्वालिटी नहीं दी, तो आपके आसपास वाले रहेंगे, अरे यार छोड़ो यार, ये तो इसका अच्छा तो बचता ही नहीं है। तो एक के चक्कर में कई कस्टमर हमारे टूट जाएंगे। तो इसलिए जहाँ भी जाइए, कम पैसे ले रहे हैं कोई बात नहीं, बेस्ट दीजिए, जितना हो सके उतना बेस्ट देने की कोशिश करें। तो शायद वीडियो लंबी हो रही है, तो आप लोगों को अगर इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और प्यारा सा एक कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी डीजे से रिलेटेड आने वाली हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस चैनल के थ्रू, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस आने वाले हैं कि आप डीजे में छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के कैसे अपनी क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।